हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम हिंदी का वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी में आज हम करेंगे पोयम कविता चींटी चलती है। चींटी चलती है चीनी लेकर, चींटी चलती है चीनी लेकर, चींटी रुकती है तो चीनी रुकती है। जब चींटी चली चीनी लेकर रही है तो वो रुकेगी तो चीनी भी रुक जाएगी ना। चींटी चलती है तो चीनी चलती है, जब चींटी चलती है तो चीनी भी साथ साथ चलती है। रास्ते में एक और चींटी मिल जाती है, देख के चीनी का दाना खिल जाती है। दूसरी जो चींटी मिलती है वो चीनी का दाना देखकर खिल जाती है, यानी कि खुश हो जाती है। चींटी तो फिर चींटी होती है, चीनी की दावत मीठी होती है। चीनी की दावत कैसी होती है? मीठी, क्योंकि चीनी मीठी होती है ना, इसलिए। फिर चींटी चलती है चीनी खाकर, जब चींटी चलती है तो वो चीनी खा लेती है, और चींटी चलती है चीनी लेकर, चींटी चलती है चीनी लेकर। ये आपकी कविता है, सुशील शुक्ल ने लिखी है। अब मैं इसकी आपको करवा रही हूँ कठिन शब्द, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वो आपने नोटबुक पे नोट करने हैं। पहले आप डेट मेंशन करेंगे, डे लिखेंगे, ऊपर चींटी चलती है, कठिन शब्द, चींटी मीठी, चीनी दावत, रुकती रास्ता दाना। ये आपके कठिन शब्द हैं, नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखनी है, बोल बोल के आपकी आपको अच्छे से लिखना आ जाए। ओके बेटा, और फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे इसकी हम, पेज नंबर 40। क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ मैं आपको, एक शब्द में उत्तर दो। फर्स्ट क्वेश्चन है, चींटी क्या लेकर चलती है? चींटी आपको पता ही है चीनी लेकर चलती है। रास्ते में चींटी को कौन मिल जाता है? रास्ते में चींटी को एक और चींटी मिल जाती है। चीनी की दावत कैसी होती है? चीनी की दावत मीठी होती है। ये क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी पर राइट करने हैं। 3 क्वेश्चन आंसर हैं, बोल बोल के लिखने हैं, लर्न भी करने हैं। ओके बेटा, ये क्वेश्चन है, ये इनके आंसर मैंने यहाँ लिख दिए हैं, और आपको अच्छे से नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखने हैं। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।